इस पर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों मॉर्निंग में जैसे कि मैं आपको हर दिन एक पेनी शेयर देता हूँ, आज भी एक पेनी शेयर लेकर आया हूँ जिसका नाम है दोस्तों बिरला केबल, ठीक है। हालांकि इसका शेयर प्राइस जो है वो चल रहा है अभी 110 रुपया, लेकिन ये एक पेनी शेयर है क्योंकि मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। तो दोस्तों पूरे डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। ये मेरे एक सब्सक्राइबर मेरे एक भाई का रिक्वेस्ट था इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए चैनल पर न्यू हो तो। तो दोस्तों बिरला केबल के बारे में बात करेंगे, बिरला टायर, बिरला आदित्य बिरला वाला वही बिरला केबल है। तो दोस्तों वन डे में आप देखोगे तो यहाँ पर हमको 1.5% की गिरावट शो हो रहा है, 5 डे में 2.5% की गिरावट, 1 मंथ में 45% की रिटर्न। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ इन्वेस्टमेंट प्रपोज के लिए। 1 मंथ हो गया, 6 मंथ और 1 ईयर, इसी टाइप से मैं वीडियो बनाता हूँ आपको देता हूँ। 6 मंथ में देखोगे 94% की रिटर्न, 1 ईयर में 93% की रिटर्न, 5 ईयर में देखोगे 193% की रिटर्न, अगर हम मैक्सिमम देखेंगे तो 449% की रिटर्न एक कंपनी दिया है, 90 रुपया एक कंपनी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे 1999 में ये शेयर लिस्टिंग हुआ था तब भी इसका प्राइस 20 रुपीज़ था, लेकिन अभी कितना है 110 में ट्रेड हो रहा है। और बीच में तो ये शेयर दोस्तों 215 तक हाई लगाया था, और दोस्तों अभी कितने में ट्रेड हो रहा है अभी दोस्तों, और मार्च महीने में 29 में मिल रहा था लेकिन अभी 110। इसका टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, इसका टारगेट दोस्तों 150 इसका टारगेट आप लेकर ले लो। जब भी ये 150 जाएगा मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल्स में कुंडली एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो NSE के ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं और देखते हैं बिरला केबल में आज बाय अच्छा हुआ है और वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि कंपनी अभी थोड़ा मुनाफा पे है क्योंकि 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2020 में, उसके बाद 31 मार्च 2021 को यहाँ पर 632 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। और कंपनी देखिए जुलाई महीने में डिविडेंड यहाँ पर प्रोवाइड किया था जो कि 2019 में, और 18 जून को यहाँ पर रिजल्ट भी आ चुका है, डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन कितना मिलेगा ये नहीं बताया गया है। और प्रमोटर का जो हिस्सेदारी प्रमोटर रखे हैं वो तो आगे चलकर हम देखेंगे कितना रखे हैं, लेकिन उससे 6.28% की प्रमोटर होल्डिंग गिरवी रख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो बिरला ये केबल वगैरह बनाता है, कॉपर केबल ये केबल बनाता है, और मार्केट कैप बहुत ही स्मॉल मार्केट कैप है, 330 करोड़ का मार्केट कैप है, और हाई लगाया था 123 रुपया, लो लगाया था 45 रुपया, और सेक्टर पी इसका 40 है और 56 है बुक वैल्यू, डिविडेंड यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ROC देख सकते हो 6.88 है और ROE यहाँ पर 5.06 है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। तो दोस्तों कभी भी इस तरह स्प्लिट हो सकता है। अगर हम देखेंगे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कर रहा है शायद, यहाँ पर देखें ये देखिए केबल और टेलीफोन में काम करता है, और ये आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर पूरे इंडिया में। क्वार्टरली सेल्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंड किया गया था 107 का होगा लेकिन 118 का हुआ है, बहुत ही बढ़िया बात है। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे एक शानदार चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर 5 करोड़ था, 5 करोड़ 9 लाख, उसके बाद सिर्फ 51 लाख हुआ, 99 लाख हुआ, उसके बाद माइनस चला गया, फिर से 9, इस तरीके से होते होते इस बार मतलब कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था जिस इस क्वार्टर में जितना है, 6.33 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 6.33 करोड़ की प्रॉफिट हुआ है। ईयर वाइज देखेंगे तो ईयर वाइज नेट प्रॉफिट ही देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा गिर गया था, पिछले तो 47 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, अभी 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा शेयर कैपिटल देखोगे तो शेयर कैपिटल 30 है, शेयर कैपिटल 30 है, और रिजर्व कंपनी के पास 138 करोड़ का रिजर्व है, और कर्जा 60 करोड़ का, यानी यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम कर लिए हैं।
उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रमोटर के पास 66% और फॉरेन इन्वेस्टर कुछ भी नहीं रखे हैं, डी आई वाले के पास 0.01 है और 33% यहाँ पर पब्लिक उठा के रखे हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो धीरे धीरे करके कर्जा को कम कर रहा है और रिजर्व ग्रो कर रहा है। तो भविष्य में ये कंपनी जैसे कि मैं आपको बोला 150 तक जरूर जाएगा अगर यहाँ पर आप होल्ड करके रखोगे। गति शेयर के बारे में बताया था 95 में ट्रेड हो रहा था लेकिन अब आज की डेट में 165 में ट्रेड हो रहा है। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर भी मिल सकता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाखों दो लाख लगा दो, 5-10 हज़ार या 500 हज़ार जितना पैसा आप सह सकते हो उतना ही लगा कर छोड़ दो। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।